बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ असलम वाली सरकार। सो गाइस, आज की वीडियो बनाने का टॉपिक है कि मेरे एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई गन के जो वुडन पार्ट्स हैं उनको पॉलिश करने का तरीका बताओ कि उनको कैसे पॉलिश करना है। तो मैं अब आपको आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आप इसको कैसे पॉलिश कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें, मेरे पास ये बिल्कुल सादा जो लकड़ी के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अभी मैं इनको पॉलिश करने लगा हूँ, बिल्कुल सादा लकड़ी के पार्ट्स हैं। तो मैं अब इसको पॉलिश करने लगा हूँ, तो करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको आपने पॉलिश करने के लिए इसकी जो है लेयर बनानी है। सबसे पहली लेयर जो है वो आपने बनानी है वुड सीलर, आपको किसी भी पेंट शॉप से मिल जाएगा, ये तो बड़ा जा रहा है जैसा कि मेरे पास, ठीक है। तो आप किसी भी जो है शॉप से, लकड़ी की दुकान से, ये आप छोटा भी ले सकते हैं वुड सीलर जो है, ठीक है, कारमैन वुड सीरीज, ठीक है। इसको आपने सबसे पहले जो है इसकी एक लेयर बनानी है इसके अंदर, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। इस तरह से इसकी आपने एक लेयर बनानी है, जैसा कि इसके ऊपर ये देखें, इस बट के ऊपर मैंने इसकी एक लेयर बना दी है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से में, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा, जैसे जैसे जो जो तरीका है मैं आपको बताता जाऊंगा। इसकी आपने जब एक लेयर लगा लेनी है वुड सीरीज की, ठीक है, जब आपने इसकी एक लेयर लगा लेनी है तो फिर इसको आपने कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है सूखने के लिए, और फिर उसके बाद आपने इसके कलर के प्रोसेस में जाना है, प्रोसीजर में जाना है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाऊंगा मैं आपको बताता जाऊंगा। गाइस, इसके बाद अब हम इसकी फिलिंग करेंगे, ठीक है। जो इसके छोटे छोटे पार्ट्स, जो इसके छोटे छोटे निशान होते हैं उनको अब हम भरेंगे। वो हम किस तरह से भरेंगे, ये प्लास्टिक पेरिस है, ठीक है, ये आपको कहीं से भी जो है ना लकड़ी की वुडन शॉप से मिल जाएगा। तो इसकी इतनी मिकदार हम ये ले लेंगे। उसके बाद हम जो है, तो उसके बाद जो है कलर, जिस कलर का आपने कलर करना है, ठीक है, ये कलर भी आपको जो है किसी भी लकड़ी वाली दुकान से, जो है हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगा, ठीक है। इसकी आपने कितनी मिकदार डालनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और डाल के फिर इसको आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करना है। मैं अब आपको मिक्स करने का तरीका भी बताऊंगा। तो ये मेरे पास काम तकरीबन कोई दो गन के सेट हैं, तो अब मैं ये तकरीबन कोई 2 टीस्पून आप कह लें कि जो है ना वो मैं इसके अंदर मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं पानी डालूँगा, इसका एक मुकम्मल पेस्ट बनाऊँगा, ठीक है। तो ये पानी बना के, पानी डाल के मैं पेस्ट भी बना के दिखाऊंगा। लकड़ी को कलर करने के लिए सबसे मेन जो चीज़ है वो ये कपड़ा हमेशा इस्तेमाल होता है, इसको मलमल कपड़ा बोलते हैं, जो आप कहीं से भी आपको जो है ये मिल सकता है, किसी भी हार्डवेयर वाली दुकान से ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप, मैं आपको इसको अप्लाई करने का तरीका बताऊँगा। ये बिल्कुल सादा पानी है, बिल्कुल साफ़ पानी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसका तरीका बताता जाऊंगा, वीडियो में भी दिखाता जाऊंगा। ये देखें, ये इसका मैं पेस्ट बना रहा हूँ। ये इसकी फिलिंग है, ठीक है। ये जो इसके जो मसाम कहते हैं, ये जो इसके मतलब इसके अंदर छोटे छोटे हिस्से होते हैं, जो आपकी बफ के अंदर, रेखमार के अंदर जो लगाया होता है उसके अंदर जो नहीं निकलते, इससे ये फीलिंग होती है इसके साथ, ठीक है। ये देखें, तो मैं ये सारे कर लूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं वीडियो के अगले हिस्से में। करने के बाद आपने ये नैला जो होता है, ये नैला आपको, ये भी आपको हार्डवेयर शॉप से ही मिल जाएगा, ठीक है। फिलिंग करने के बाद आपने नैले के साथ इसको ऊपर से जो है अजाफी मटेरियल है जो वो आपने उतार देना इस तरह से, ठीक है। ये देखें, अभी ये वुडन लुक जो है अपनी पूरी देनी शुरू कर दी है। अभी इसका मतलब ये तो स्टार्टिंग जो है ना, ये स्टार्टिंग है अभी जस्ट, ठीक है। तो इसने अपनी वुडन लुक जो है अभी से ही देनी शुरू कर दी है। तो ये देखें, ये जस्ट हमने सबसे पहले जो इसका पेस्ट बनाया, पेस्ट के फ़ौरन बाद उसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद ये नैले के साथ जो अजाफी मटीरियल है वो हम साफ़ कर रहे हैं, इसको ऊपर से उतार रहे हैं, ठीक है। तो अगले हिस्से में मिलते हैं गाइस। जैसा कि अब हमने इसको फिलिंग की है इसको, ठीक है, हमने इसका मटेरियल बना के प्लास्टिक पेरिस के साथ और इसका कलर डाल के जो हमने इसकी सीलिंग फिलिंग की है, फिलिंग
फिलिंग करने के बाद अब हम इसको रेगमार के साथ बफ़ करेंगे। फिलिंग करने के बाद हमने कुछ देर इंतज़ार किया है कि इसका जो है फिलिंग वाला जो हमने पेस्ट इसके ऊपर अप्लाई किया है, तो इसको थोड़ा सा हम वेट किया है कि ये सूख जाए। ठीक है, जैसा कि ये देखें और ये देखें, ये मैंने सारे पार्ट्स तकरीबन जो है ना मैंने इनके ऊपर करके और ये सूख गए हैं। सूखने के बाद अब हम 150 नंबर लकड़ी वाला रेगमार जो है, ठीक है, ये क्लीनिंग पेपर मिलता है, ठीक है, ये देखें 150C, ठीक है, इसको अब हम इसके साथ बफ़ करेंगे, इसके ऊपर मारेंगे। ठीक है, कि ये जो ऊपर उभरा हुआ होगा जो नैले के साथ हमने साफ़ किया, तो वो जो है ना निशानात इसके ख़त्म करेंगे। तो अब निशानात हम इसके ख़त्म करते हैं इस तरह से, ठीक है, ये देखें, आपने एक ही तरफ हाथ चलाना है, जिस तरफ आप हाथ चलाएंगे तो उसी तरह आपने फिर इसको करना है। ये देखें, ये जो हमने इसको कलर करना है, हमने उसी कलर का पेस्ट बनाना है। ठीक है, ये कलर जो है वो आपको किसी भी वुड शॉप से मिल जाएंगे, ठीक है, जो इसमें इस्तेमाल होती है। अगर आपने काला कलर करना है तो ये देखें, ये काला है, अगर आपने डार्क ब्राउन करना है तो ये डार्क ब्राउन है, ठीक है, लाइट ब्राउन करना है तो उससे लाइट ब्राउन करना है, फिर येलो अगर करना है, ठीक है, ये कलर्स आपको किसी भी शॉप से मिल जाएंगे। ठीक है, ये जैसा कि ये हमने सीलर इस्तेमाल किए, ये सीलर के छोटे कैंडी आते हैं, ठीक है, ये देखें, ये सीलर, ये सबसे पहले आपने इसको अप्लाई करना है, उसके बाद आपने जो है ये जो चीज़ें, ये टोटल चीज़ें जो हैं ये इसके बाद इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद ये कलर होगा, ठीक है, गन के साथ हम कलर अप्लाई करेंगे, मैं कलर भी आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसको कलर इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका हार्डनर लेकर ये इस्तेमाल होगा, ठीक है, ये दोनों मिक्स होंगे, ये देख लें CM33 नंबर, ये देखें, ये दोनों मिक्स होंगे, ये और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इसका नंबर 123 है, 03022, ठीक है, इसका ये है, इसका ये वॉल्यूम नंबर, ये दोनों आपके ये मिक्स होंगे। ठीक है, ये दोनों मिक्स होने के बाद फिर उसके बाद ये क्लियर लेकर है, ठीक है, इसको हम जो है ग्लॉस कहते हैं, जिसको कहते हैं शाइनर, ठीक है, ये लास्ट पे, सबसे लास्ट पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, और जैसे जैसे अब मैं करता जाऊंगा मैं आपको बताता जाऊंगा। ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, और उसके बाद जो है ये हम इसको बफ़ कर लिया है, इसको रेगमार से हमने इसको हमने साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद अब हम इसको कलर करेंगे। अब इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे क्योंकि अभी भी इसके अंदर कुछ जो है ना पानी है, तो इसको हम थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं वीडियो के अगले हिस्से में। तो गाइज़, जब हमने इसको बफ़ कर लिया है, बफ़ करने के बाद जब सारा कुछ, जैसा कि ये मैंने सारे अब कर लिए हैं, ठीक है, करने के बाद अब मैंने ये मिट्टी के तेल में, ये देखें कितनी क्वांटिटी है इसकी, ये मिट्टी का तेल है, मिट्टी के तेल के अंदर ये बनाया है, ये मेरे पास पहले बना पड़ा हुआ था तो इसीलिए मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मिट्टी का तेल है और ये वही ब्राउन कलर है जो वो उस डिब्बे में था, ठीक है, इस डिब्बे में था, जो ये वही ब्राउन कलर है, ठीक है, वो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाला, 2-3 टेबल स्पून डालें, और साथ में जो है ना ये देखें, ये अलहदा से नज़र आ रहा होगा, ये मिट्टी का तेल है बीच में, ठीक है। तो अब हमने इसको किस तरह अप्लाई करना है, इस तरह से अप्लाई करना है हमने, ये देखें, वही जो आपने मलमल कपड़ा ले लेना, ठीक है, उसको अब आपने इस तरह से अप्लाई करना है इसके ऊपर, ठीक है, ये अब हमारा कलर है, ठीक है, ये हमने इसको जो है लुक जो हमने देनी है इसकी, जिस कलर में इसको आपने लुक देनी है, आप जिस भी कलर का अपना ले लें, लेकिन हमने जिस कलर में मैंने देनी थी वो ये कलर है, ठीक है। अच्छा, इसका हमने एक कोट लगा लेना है, ठीक है, जैसा कि ये कोट हमने लगा लिया, ठीक है, लगाने के बाद इसको साफ़ कपड़े, सादा कपड़े के साथ ऊपर से साफ़ कर देना, कि जो है ना ऊपर जो अजाफी जो है ना कलर, वो हमने ऊपर से साफ़ कर देना, ठीक है। इसके बाद हमने ये लगाने के बाद हमने फिर से दोबारा से सीलर हमने लगाना है इसके ऊपर, ठीक है, ये गुड सीलर जो है हमने ये लगाना है इसके ऊपर, कि इसको जो है हमने सील करना है, मतलब जिसे कह लें कि जो ये कलर हमने लॉक करना है, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम हार्डनर लेकर लगाएंगे, एक हार्डनर होता है जो मैंने आपको दिखाया है, एक हार्डनर है और एक लेकर है, ठीक है, वो हार्डनर लेकर मिक्स करके फिर इसके ऊपर वो लगाएंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर ग्लॉस शाइन जो है वो स्प्रे करेंगे। तो जैसे जैसे मैं करूँगा मैं आपको दिखाऊँगा कि ये अब हमने इसको कलर दे दिया, इसको जो है कलर की फिनिश जो है हमने दे दिया, ठीक है, फिनिशिंग कर दिया, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं इसको, ये देखें, ये वुड कलर में जो है ना अपनी आ गई है, ठीक है, ये अब आप इसको देख सकते हैं। ये अब मैं इसके सारे पार्ट्स को ये देखें करने लगे हम, ये देखें, ये देखें, ये इसकी जो है सेम एज इट इज़ जो है होगी, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो के अगले हिस्से में। तो गाइस, जैसा कि ये अब सारे पार्ट्स इसके हो चुके हैं, ठीक है, इनको हमने जो है मतलब वो कलर जो है लगा लिया है, ठीक है, अब हम इसको सील करेंगे, इसके ऊपर सीलर लगाएंगे, ठीक है, ये सीलर अब हम इसको लगाएंगे, लेकिन हाथ के साथ नहीं लगाएंगे, अब हम इसको स्प्रे गन के साथ स्प्रे करेंगे, ठीक है।
उसके अंदर स्प्रे गन के साथ डालेंगे, क्योंकि अगर हम हाथ के साथ लगाएंगे वो इसके ऊपर लेयर नहीं बनाएगा, वो जस्ट इसके ऊपर लगेगा और जो है ना वो सही से नहीं लगेगा। जब हम मशीन के साथ लगाएंगे तो वो इसके ऊपर लेयर बनाएगा। तो चलते हैं, हम मैं जैसे मशीन के साथ लगाऊंगा मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसको एक बार फिर बफ किया जाएगा क्योंकि सीलर लग जाएगा। तो इसके ये देखें ना, ये चीज़ें देखें, अभी भी ये जो है ना यहाँ से खुरदर है, तो ये चीज़ें जो हैं इसकी क्लियर करनी है। तो वो अब जो है ये इसकी मेन जो ये फिनिशिंग हो रही है अभी, तो ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये जो मतलब ये जैसे खुरदर है, तो इसके बाद फिर इसको बफ करेंगे हम, जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा आपको बताता जाऊँगा। तो साथ जुड़े रहें, चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से में। तो गाइस अब हम इसके अंदर जो है ये डालने लगे हैं, सीलर डालने लगे हैं। ये देखें वही सीलर है, ठीक है। ये हम इसके अंदर बिल्कुल जो है वही डालेंगे और इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसको जो है अगर आपके पास मशीन नहीं है तो इसको आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि बिल्कुल बड़े प्यार से ज़ोर से नहीं, ठीक है। तो अभी हम इसको स्प्रे करेंगे, इसको ये देखें अब हम इसको स्प्रे करेंगे इसके साथ। तो ये मशीन का शोर है, इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ मेरी कम आएगी। ये देखें इसको स्प्रे करने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर टाइम देंगे कि ये बिल्कुल सूख जाए अच्छे तरीके से। सूख जाने के बाद फिर हम इसको दोबारा से फिर बफ करेंगे, दोबारा से फिर एक बार इसको जो है बफ करेंगे और फिर हम अगला जो है स्टेप अप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं वीडियो के अगले हिस्से में, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। सो गाइस जैसा कि इसको जो हमने एक कोट दिया था वो हमने इसको जो क्लियर कर दिया है, ये अब सूख चुका है, ठीक है। तो हमने इसको 4 से 5 कोट देने हैं, इसके सीलर के जो 4 से 5 कोट देने हैं। ये देखें ये अब हम इसको अगला कोट दे रहे हैं। इस कोट का मतलब ये है कि ये इसके ऊपर एक लेयर बनाएगा। ये कलर तो हो गया, कलर ये फाइनल लुक हो गई है इसकी। अब ये जो हम इसके 4-5 लेयर्स इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है, इसको दोबारा से हम स्प्रे करेंगे। इसका मकसद ये है कि ये इसके ऊपर एक लेयर बना देगी, एक शीट टाइप बना देगी, मोटी तय बन जाएगी, जिसके साथ ये नीचे कलर जो है लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद दोबारा हम इसको बफ करेंगे, रेकमार लगाएंगे, ये बराबर सा हो जाएगा। बराबर होने के बाद फिर इसके ऊपर हार्डनर लगेगा, फिर लैकर लगेगा। तो ये हम अभी मैंने ये 2 कोट लगा लिए हैं, तो इंशाल्लाह जो है 2 और कोट लगा के तो फिर अगले हिस्से में मिलते हैं वीडियो के। तो गाइस जैसा कि हमने इसके ऊपर जो है सीलर लगा दिया है, ठीक है, अब ये मुकम्मल तौर पर जो है सूख चुका है। ये देखें जैसा कि मैं अब आपको हाथ लगा के दिखा रहा हूँ। अब ये देखें इसके अंदर जो ये जो इसके हैं मतलब जो पोर्स हैं ये जो वाजिया हो गए हैं। अब हमने जैसा कि वही पटीन जो मतलब हमने पहले जो इसका बनाया था वही मसाला जो है वो हम इसके ऊपर अब दोबारा अप्लाई करेंगे कि ये इनके पार्ट्स में जो है अच्छी तरह जो है वो जज्ब हो जाए, ठीक है। इसके जज्ब होने के फौरन बाद ये कुछ टाइम लगेगा, जब आपने इसके ऊपर सीलर लगाना है ना कलर के बाद, तो आपने कोई इसको आधा घंटा छोड़ देना है कि ये सूख जाए। सूख जाने के बाद फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर ये पटीन लगानी है, ठीक है। ये इस तरह से ये पटीन जो है आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि जिस जिस जगह पे स्पॉट्स हैं, जिस जिस जगह पे जो मतलब निशान है, वो निशान आपने इस तरह से इसको बंद करने हैं। बंद करने के बाद ये जब फिर से सूख जाएगा, फिर आपने इसको थोड़ा सा टाइम देना है, ये फिर सूख जाएगा। फिर इसको आपने रेकमार जो है इसको 150 नंबर लगाना है, ठीक है, 240 इसके बाद जो 150 नहीं 240 लगाएंगे, ठीक है, 150 नहीं 240 लगाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो है हम ये लगाएंगे 240, ये देखें P240, ठीक है। इसके साथ हम इसकी जो है सफाई करेंगे, सफाई करने के बाद फिर इसके बाद जैसे जैसे जो जो स्टेप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर मैं आपको बताता जाऊँगा। जैसा कि इनके ऊपर हमने लगा लिया है, वो बट के ऊपर हमने लास्ट पर लगाया है, इनके ऊपर लगा लिया और ये सूख चुके हैं, तो अब हमने इसको बफ करना है, ठीक है। ये हम इसको बफ कर रहे हैं, ये देखें ये 240 जो है क्लीनिंग पेपर नंबर 240 है, इसके साथ अब हम इसको बफ करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से। बफ करने के बाद जैसा कि उसको हमने लगाया था, ठीक है, उसके बाद अब हम इसको बफ कर रहे हैं, ठीक है। बफ करने के बाद अगले स्टेप में चलते हैं, ठीक है, अब मैं बफ कर लूँ, बफ करने के बाद अगले स्टेप में मिलते हैं। सो गाइस जैसा कि ये अब सूख चुका है, सूख जाने के बाद ये सूख चुका है, अभी इसको हमने क्लीनिंग पेपर लगाना है, लेकिन ये है कि ये हमने सबको बफ कर लिया है, ठीक है। ये देखें बफ होने के बाद इसकी क्वालिटी देखें, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी हम इसके ऊपर दोबारा से कलर लगाएंगे, ठीक है, कलर की एक लेयर चढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि इसके ऊपर हार्डनर लेकर जो है लगाएंगे, फिर उसके बाद ग्लोज़र लगाएंगे इसके ऊपर शाइन
शाइन वाला, ठीक है। तो जैसा कि ये इसको हमने बफ किया हुआ है, अब हम इसको कलर लगाया, ये देखें। कलर लगाने के बाद अब इसका जो फाइनल स्टेप होगा, ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले स्टेप में। ये जो है इसको हम सबको कलर लगाएंगे, कलर लगाने के बाद मिलते हैं। ये कलर वही कलर है जो कि हमने पहले बनाया था, मिट्टी के तेल में कलर डाल के। मिट्टी का तेल डालने का मेन मकसद इसमें ये है कि मिट्टी का तेल जो है जल्दी सूख जाता है, ठीक है, जज्ब हो जाता है, सूख जाता है, और सूख जाने के बाद कलर जो है वो ऊपर जो ऊपर लेयर बना देता है, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो के अगले हिस्से में। गाइस, जैसा कि अब हमने इनको कलर लगा लिया ऊपर अच्छे से, कलर लगाने के बाद ये सूख चुके हैं बिल्कुल, जो है इनका जो कलर जो हमने इसके ऊपर लगाया था वो सूख चुका है। अब इसके अंदर हम हार्डनर और लैकर लगाएंगे, ठीक है। हार्डनर और लैकर मिक्स कैसे करते हैं मैं वो भी तरीका बताऊंगा, और वो लगाते कैसे हैं मैं वो भी तरीका बताऊंगा। तो चलते हैं हम हार्डनर और लैकर की तरफ। सो गाइस, ये जो क्लियर लैकर है और ये हार्डनर है, ठीक है। अगर आपने, जैसा कि मेरे पास पहले ही बना पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पहले ही इसके अंदर बना लिया हुआ था, मेरे पास पहले ही बना पड़ा हुआ था। तो ये है कि आपने हाफ लीटर मिट्टी थिनर ले लेना है। थिनर आपको किसी भी वुड शॉप से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने हाफ लीटर लिया है तो हाफ लीटर में ये तकरीबन आपका 200 ml हार्डनर डलेगा और 200 ml जो है क्लियर लेकर जो है वो डलेगा। 200 ml जो है ये दोनों सेम मिकदार में आप डालेंगे और हाफ लीटर बीच में थिनर डालेंगे। मतलब ये कि जैसा कि ये मेरे पास चीज़ें हैं, तो इनके अंदर हमने इनको पॉलिश करने के लिए, इनके ऊपर लगाने के लिए मैंने ये 200 ml ये इसके अंदर डाला है, 200 ml ये इसके अंदर डाला है, 400 ml में मैंने हाफ लीटर इसके अंदर वो थिनर डाला है, ठीक है। और इसके बाद अब हम इसको स्प्रे गन में डालेंगे, डाल के और इसके ऊपर जो है हम इसको स्प्रे करेंगे, ठीक है। कलर होने के बाद जब हमने सारा कुछ दोबारा कलर लगाया, कलर लगाने के बाद उसके बाद इसको एक बार फिर से रेगमार से बफ करेंगे कि कहीं भी कोई कतरा कोई चीज़ महसूस हो रही होगी जो वो साफ़ हो जाएगी, ठीक है। वाश करने के बाद अभी हम इसको जो है इसके ऊपर हार्डनर और लैकर की स्प्रे करेंगे और इसको शाइन में लाएंगे, मतलब इसको रेडी करेंगे। रेडी होने के बाद एक लास्ट होगा वो शाइनर होगा। हार्डनर और लैकर के 3 से 4 कोट इसके ऊपर लगेंगे। 3 से 4 कोट लगने के बाद फिर उसके बाद इसके ऊपर वो ग्लोसर लगेगा, जो वो ग्लोसर है वो लगेगा शाइनी लुक के लिए, शाइन के लिए, ठीक है। तो अभी हम इसको स्प्रे करते हैं और वीडियो के अगले हिस्से में मिलते हैं। जो हार्डनर और लैकर हमने मिक्स किया हुआ है थिनर के अंदर, वो हम इसकी स्प्रे गन के अंदर डालेंगे। स्प्रे गन के अंदर डालने के बाद इसको एक बार इसके ऊपर स्प्रे करेंगे, फिर उसके बाद 5 मिनट वेट करेंगे, फिर स्प्रे करेंगे, फिर 5 मिनट वेट करेंगे, फिर स्प्रे करेंगे। इसके ऊपर 3 से 4 हम इसके कोट बनाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको स्प्रे करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी क्या। तो गाइस अब ये देखें इसको, ठीक है। अब इसके ऊपर स्प्रे हो चुकी है, ये टोटल जो है क्लियर हो चुका है। ये देखें इसकी शाइन देखें, ठीक है। और उसके बाद ये देखें, ये अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब इसके ऊपर 3 से 4 कोट लगेंगे इसके हार्डनर और लैकर के, फिर उसके बाद इसके ऊपर ग्लॉसर लगेगा, ठीक है, शाइनी लुक के लिए। तो ये जो इसके ऊपर ये डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये हार्डनर और लैकर के हैं, ये कुछ देर के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ये जब सूख जाएगा ये जज्ब हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके ऊपर हम 4 कोट करेंगे। मैं 4 कोट के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप की जो है वो वीडियो बनाता हूँ। मिलते हैं वीडियो के अगले हिस्से में। सो गाइस, अब हमने इसको हार्डनर लेकर मार लिया है, उसके बाद ये बिल्कुल सूख चुका है अब, ठीक है। सूख जाने के बाद ये देखें, ये मतलब अभी थोड़ा सा गीला था, तो बाकी ये है कि खैर ये अब सूख चुका है। सूख जाने के बाद अब ये क्लियर हो चुका है। ये देखें, जैसे कि मैं अब हाथ लगा रहा हूँ तो अब आप इसकी फिनिश देखें, ठीक है। तो अब हम इसको जो है ये शाइनर मार रहे हैं, जो हार्डनर लेकर के बाद जो ग्लोसर बताया था मैंने आपको, ये लास्ट पे वो मार रहे हैं हम, ठीक है। ये देखें, ये वो शाइनर है, ठीक है, और इससे जो है ये एंड पे चमक आएगी। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ਜੀ ਜੀ ਕਰਾਂ ਕਰ ਪੈਸੇ ਆਦੇ ਵੱਟੇ ਸੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ